तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, बंगाल के अंदर जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं वहां जबरदस्त हिंसा देखने के लिए मिल रही है। और अब तक बड़ी खबर ये आ रही है कि 6 लोगों की मौत हो गई है पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा में। अब तक 6 लोगों की जान चली गई है। अलीपुरद्वार में हिंसा की चपेट में 5 पत्रकार भी आए हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अलीपुरद्वार में हिंसा में 5 पत्रकार भी घायल हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, आसपास के राज्यों से भी सुरक्षा बलों को बुलाकर यहां तैनाती की गई थी, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल के अंदर जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेता कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी और मीडिया को भी निशाना बनाया गया है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 5 पत्रकार भी घायल हुए हैं अलीपुरद्वार इलाके के अंदर। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, पिटाई करते हुए कैमरे में कैद हो गए टीएमसी के नेता। देखिए कैसे बाकायदा थप्पड़ जड़ दिया उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। वहीं वाम दल के एक नेता की पत्नी समेत हत्या कर दी गई है दक्षिण 24 परगना में। उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। वाम नेता पत्नी की हत्या कर दी गई। और ये देखिए कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार रहे हैं टीएमसी के नेता। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ दल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ये गुंडागर्दी, जिसकी वजह से हिंसा की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में ये पंचायत चुनाव। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।